अशरफ अली, अशरफ अली। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फाइनली 22 सालों के बाद बड़े पर्दे पर लौट कर आ चुकी है गदर एक प्रेम कथा। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के असली एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा जब 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, उस वक्त ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। लेकिन पूरे 22 सालों बाद एक बार फिर से गदर एक प्रेम कथा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से तगड़ी कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर एक प्रेम कथा के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म आपको ही फेवरेट है या नहीं। तो दोस्तों, इंडियन सिनेमा की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा ने, और इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं इंडियन सिनेमा के असली एक्शन सुपरस्टार सनी देओल, उनके साथ नजर आई थी अमीषा पटेल। साथ ही साथ दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े विलन स्वर्गीय अमरीश पुरी सर देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, ये फिल्म जब 2001 में बनी थी उस वक्त इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को अब फिर से 4K में रीमास्टर किया है, साथ ही साथ इस फिल्म के साउंड डिजाइन पर और फिल्म के प्रमोशन पर थोड़ा बहुत खर्चा किया है। यानी कि दोस्तों, इस वक्त यानी कि 2023 में इस फिल्म को फिर से रिलीज करने के लिए मेकर्स ने पूरा 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। अब अगर बात करें कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीन में रिलीज किया है, तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म ऑल इंडिया में सिर्फ 350 स्क्रीन के लगभग रिलीज की गई है। दोस्तों, फिल्म लगभग 350 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, साथ ही साथ फिल्म की जो टिकट रेट से वो भी काफी कम है, क्योंकि यहां पर गदर एक प्रेम कथा के मेकर्स ने एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री वाला ऑफर निकाला था। लेकिन दोस्तों, 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर तरफ पब्लिक अच्छी खासी तादाद में गई, जिसके चलते ही फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो काफी ठीक ठाक है। जी हाँ दोस्तों, एक तो कम स्क्रीन, दूसरी बात इस फिल्म की टिकट भी सस्ती, उसके बावजूद भी फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली वो काफी बढ़िया रही। साथ ही साथ फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट वाले शोज की एडवांस बुकिंग भी एक तरह से काफी बढ़िया हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गदर एक प्रेम कथा अपने पहले दिन इंडिया से कलेक्शन लगभग 40 लाख रुपए का कर रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि 22 साल पुरानी फिल्म जिसे कई लोग YouTube पर, TV पर, OTT प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं, वो फिल्म 22 साल बाद भी अगर पहले दिन 40 लाख रुपए की कमाई कर रही है वो एक तरह से काफी शानदार कलेक्शन है। लेकिन जिन लोगों को इस फिल्म का पुराना कलेक्शन नहीं पता, उन्हें बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म ने 2001 में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 76 करोड़ का किया था, जबकि इंडिया ग्रोस कलेक्शन 127 करोड़ 80 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में उस समय पे 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। यानी कि दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 133 करोड़ 20 लाख रुपए, वो भी आज से 22 साल पहले। अगर आज के हिसाब से टिकट रेट्स अगर जोड़े तो इस फिल्म का कलेक्शन आज के हिसाब से लगभग 500, 700 या 1000 करोड़ रुपए होता है। जी हाँ दोस्तों, 20 साल पहले 133 करोड़ की कमाई की थी जब टिकट के रेट सिर्फ 5-10 रुपए थे।